सो भाई आज का बरसाते का एपिसोड इतना ज्यादा एंटरटेनिंग था, इतना ज्यादा भाई साहब फनिंग फनिंग बोलो सॉरी फन लविंग था कि भाई बड़ा मजा आया, क्योंकि हमारे जो रियाज भाई साहब है उनका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे जो एक सख्त लौंडा बने थे वो पिघलने लगे हैं जस्ट बिकॉज आराधना की वजह से। एंड ये चीज देखने मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वो बंदा आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में उठता है, देखता है कि भाई शादी वादी हो तो वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है, वो देखता है कि भाई सॉरी ये पहले बता दें, इससे पहले भी एक चीज हुई थी ठीक है, उसमें ये होता कि भाई वो बंदा लगातार आराधना के आगे पीछे घूम रहा है, अपना जो झूठा मांग है वो उसके टेबल पर रख दे रहा है, उसका झूठा मांग लेके चला जाता है कॉफी का पीते, उसका जो मंगोता पानी का वो लेके चला रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी हरकत है, फ्लर्ट कर रहा है भाई बंदा, प्रॉपरली फ्लर्ट कर रहा है, डायरेक्टली तो कर नहीं रहा लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉपर फ्लर्ट कर रहा है। अब क्या होता है भाई उस तरीके से फ्लर्ट कर रहा होता है, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन भाई होती है सुबह, सुबह क्या था उस दिन थी क्या कहते हैं संगीत का फंक्शन, क्योंकि भाई उसके जो मम्मी पापा हैं रानवनी रियांश की वो 33वीं मैरिज एनिवर्सरी पर दोबारा शादी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे सब देख के वो पागल हुआ वहाँ से फटाफट निकलता है। अब यहाँ से जैसे निकलता है ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में भाई साहब उसका दोस्त और उसकी जो एचआर एक और जो दोस्त है ठीक है, वो दोनों आके बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये भाई यहाँ पे क्या करेगा, बोला भाई घर पे मैं नहीं जाने वाला, ऐसी ऐसी बात है मैं दिमाग खराब हो रहा है तो मैं यहाँ पे आकर मैं ही पिलाऊंगा। अब उसी के कुछ देर बाद क्या होता है वहाँ पे आराधना एंट्री हो जाती है, आराधना की एंट्री होते ही वो बोलते हैं कि ये सब क्या इतना बड़ा भाई किसका है, बोल रहा इनका यहीं पर रहेंगे, तो आराधना छूट चलती तो मैं भी यहाँ पर रह जाऊँ भाई, अरे यहाँ जब उस समय कॉफी उसके मुझे कॉफी गिर जाती है और वो इतना ज्यादा वो फनी सीन होता है कि मतलब बंदा अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, कसम से इतने ज्यादा आज के एपिसोड में फनी चीजें हुई हैं रियाज की साइड से, मैं बहुत ज्यादा हंस के पागल हुआ बहुत ज्यादा। इसके तुरंत बाद क्या होता है कि ऑफिस के कलीग आते हैं, वो बोलती है कि वो उसका कृष्णन आया दोस्त आया ठीक है, अब वो भाई साहब चली जाती उससे मिलने, रियाज भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है और फिर भाई वहाँ पे देखते हैं कि आराधना और कृष्ण के बीच में फोन को लेकर छीनाझपटी होती है, वो आता है रियाज फोन छीन के आराधना को देता है, बोलता है कि कोई हेल्प चाहिए नहीं बताओ कुछ चाहिए तो नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है आप जाइए आप जाके जो पता नहीं कुछ एक वर्ड बोलते उसको जाके चेक करिए, वो जरूरी होता वो उसकी टेंशन वो हो गया फिर कृष्ण के हाथ में मतलब गले में हाथ डाल के उससे मतलब मजे लेता है जैसे कि उसको डराता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। और फिर इनके बीच में बात होती गई जो रियांश है उसके जो घर में आज संगीत का फंक्शन है तो उसके लिए जो कृष्ण की बहन है वो कोरियोग्राफर उसको हायर कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पर भाई साहब कृष्ण बोलते हैं ये डांस करेगा हाँ, इसको पता कौन सा अच्छा गाना लगेगा, खलनायक रियांश सीरियस ले लेता है, वो जाता है ठीक है और बोलता है आ देखे जरा किस में कितना दम, जम कर रखना कदम मेरे कृष्ण, अरे वो एक नाम रखा है नन्नू रखा है नन्ना रखा है ऐसा कुछ नाम रखा है वो, अब उसको डर जाता है। अब यहाँ से वो जाता है बाहर मतलब अपने वापस आने लग जाता है, तभी क्या होता है आराधना और इसके बीच में बातचीत हो रही है कि ठीक है तुम्हारी बहन को देखूंगा उसको भेज देना, ऐसी ऐसी बात है सब वो करती है और उसकी टेंशन लो मैं देख लूंगी, और वो क्या करता है वो ऐसे हाथ रखता है उसके मतलब आराधना के दोनों कंधों पर ऐसे हाथ पकड़ता है, तुरंत रियांश निकलता है ऐसे वो कहती है ऐसे ओ भाई ये मतलब पूरा का पूरा सीन इतना ज्यादा फरीदा ये पूरा का पूरा ऑफिस का कि मैं सच में मैं नहीं सोच सकता कि इस तरह कोई फनी सीन हो सकता है यानी एक्चुअल में किसी ऐसे टीवी शो में, बहुत ज़्यादा फनी था बहुत ज़्यादा, और रियांश जिस तरीके से यहाँ पे एक्ट करा वो और भी ज़्यादा मज़ेदार। इसके बाद भाई साहब हमें पता चलता है कि वो एक रिंग लेकर बैठा हुआ है जो वो आराधना को देने की सोच रहा है। अब रात होती है भाई संगीत की रात है, सब अपना इंजॉय कर रहे थे सब कुछ होता है, यहाँ पे भाई साहब आराधना आती है रियांश के पापा से बोलती है सॉरी कि भाई जो उसे मैंने बोला था उसके लिए, लेकिन रियांश के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं सॉरी वाले जो तुमने किया उसके वजह से बहुत सारा चेंज आया रियांश के अंदर, इसे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। रियांश वहाँ से क्या करता है वो चला जाता है अपने कमरे में, अब अपने कमरे में जाकर क्या करता है वो इस जो रिंग है उसी को देखने लग जाता है, तभी क्या होता है विक की एंट्री होती है, विक बोलता है कि ओहो इसके लिए है धीरे भाई ऐसा कर तो आज दे दे ऐसा करेगा वो बोलता है, लेकिन वो
बोलता पता नहीं कुछ होता है, वो उसको बुला रहे लग जाते हैं रियांश के पापा, तो फटाफट वापस भागता है, तो बात उनकी पूरी नहीं हो पाती। तभी क्या होता है वहाँ पे आराधना और जो कोरियोग्राफर है ठीक है उसकी एंट्री होती है। अब वो देखते कि एक तरफ से गुस्सा है और उसका हाथ में रिंग होती है, डर के मारे फटाफट रखता है ड्रॉ में और बोलता है कि हे डॉक्टर करके आना चाहिए था, ऐसे कैसे आ गया था रूड लिंग। तो बोलते कि तो क्या होगा हमें, क्या होता है कि आप यहाँ पर हो गए जो भी है, और ये इन लोग हैं जैसे कोरियोग्राफर कर सकते हैं होते हैं अच्छा यही है क्या, ओके ओके। आराधना बोलती है हमें कि थोड़ी सी एक स्पेस चाहिए बात करने के लिए, इसलिए हम इस कमरे में आए। ठीक है तुम बात करो, ठीक है ठीक है। वो जाने वाला था तभी वो याद आता है कि उसके अंगूठे की है, आता है फटाफट रिंग लेता है फिर चला जाता है। वो तो आराधना बोलती है हम यहाँ पे कहीं चोरी करने नहीं आए हैं, ठीक है बात कर रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है आप बात करो मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद क्या होता है भाई साहब डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है, और भाई सच में जो सॉन्ग्स की चॉइसेस थे डांस कोरियोग्राफ किया गया बहुत ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात रियांश और आराधना का जो एक सोलो सॉन्ग होता है रोमांटिक सॉन्ग, वो भाई साहब जिस तरीके से एक ट्रांजिशन हो सॉन्ग में जब तक वो दोनों अकेले डांस कर रहे हो बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ से गायब हो गए, वो और भी ज़्यादा म्यूजिक बहुत ज़्यादा सॉन्ग लिटरली इतना ज़्यादा परफेक्ट है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे सुनने में कि मैं क्या बताऊँ। और सच में इस शो में इतना तो पोटेंशियल है कि ये TRP गेन कर सकता है, बस बात इतनी सी है कि इस शो की पब्लिसिटी ना कि सिटीज में करो, होर्डिंग्स लगा रहे हो ये करो उसमें ना करो, सोशल मीडिया पे करो, यूट्यूब पर करो, यूट्यूब पर एड्स आती है उसमें इस शो को हाईलाइट करो, ऐसे चीज़ें बढ़ती है ना ऐसे नहीं मज़ा आएगा। क्योंकि मैं भी गया हूँ दिल्ली में काफ़ी जगहों पर भाई, बरसाते का मेट्रो में होर्डिंग्स में लगी हुई हैं बाप, बड़े बड़े हाईवेज पर कई बार, तो भाई आसपास के जो जैसे अंदर ही अंदर के रास्ते वहाँ पर भी दीवारों पे कई बार इसकी मैंने वो देखी हुई हैं जो पोस्टर टाइप के होते हैं वो चिपके हुए हैं। तो यार यहाँ पे नहीं सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब करना ज़रूरी है, क्योंकि होर्डिंग्स सब ज़्यादा लोग इतना नोटिस करके याद नहीं रख पाती कर ये शो था। मैं आया भाई घूम घाम के अपने का, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, अगर मैं वो चीज़ नहीं देख रहा या फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो वही चीज़ है। इसको सोशल मीडिया पर अगर ज़्यादा पब्लिश करें थोड़ा सा और पब्लिसिटी दे ऑब्वियसली बात है ये शो हिट होगा, इसके साथ साथ भाई कथा भी हिट होगा, सपनों की छलांग भी हिट होगा। तो आई विश इस शो का थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रमोट करें, थोड़ा और भी ज़्यादा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें, एडवर्टाइज करने की कोशिश करें, ताकि जो ये एक्चुअल में इसकी जो पोटेंशियली चीज़ें हैं जो इसका पोटेंशियल जो लोग इसको पसंद कर सकते हैं वो निखर कर आए, और हम लोग भी खुश हो कि चलो एक तो ऐसा शो है जो हम लोग देख रहे हो वो सच में एक TRP के अच्छी खासी लिस्ट में स्टैंड आउट कर रहा है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा, कैसी लगी शिवांगी जोशी और जो हमारे खुशहाल है उनकी एक्टिंग और प्लस उनके साथ में जितने भी लोग उन सब की एक्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताओ। इसी तरीके से बस आते के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।